अली, आप समझते हैं कि ड्रामा हमारा थोड़ा सा बदल रहा है, इसके मौजू बदल रहे हैं या इसकी प्रोडक्शन बदल रही है, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है ना भाई। जब तक दुकानें और नहीं बढ़ेंगी तब तक क्या होने वाला है? अच्छा। और हमारे जो दुकान के मालिक हैं वो बनिए हैं, वो किसी को ग्रो करने देना नहीं चाहते, ना प्रोड्यूसर को ना एक्टर को, खुद मोटा होना चाहते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन ड्रामे और पाकिस्तानी में, तो मुझे पाकिस्तानी इसलिए अच्छे लगते हैं, हमारे ही देखते हैं, वो भी हमारे देखते हैं, कि इसमें ना एटलीस्ट आपकी रियलिटी है, इसमें आपके जो मौजू है ना वो करंट है और अच्छे है और फ्रैंकनेस है। अच्छा, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर के ना मेरी सास को, मैं सास कह रही हूँ, मेरी खाला को, इनकी मदर लॉ को बड़ा शौक है देखने का, जब कभी मौका मिलता देख रही होती। अच्छा, मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, मैं स्क्रीन को देख रही होती हूँ, स्क्रीन पे क्या हो रहा है, एक के मुंह के ऊपर, और मेरी खाला का मुंह जा रहा है, and I'm like, छुन्नी वाला, what are you doing? She's like, look at it, and I'm like, why are you doing this? She's like, I don't know. उसके बाद मैंने इनको कहा, मैंने कहा आपकी गर्दन रह जानी है, ऐ देखो तुड़ी, वो तो बड़ी खुश थी कि साडा दिमाग इंटरनेशनल स्टार है। अगर वो मैंने इजाजत है, हम ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक का दी तुसी चलते हो, चलो चलो जी, ना लेग ब्रेक ना ऑफ ब्रेक, एक नॉर्मल ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा अली, आपका जो बचपन है वो कराची में गुजरा, इनिशियल इयर्स? इनिशियल इयर्स टिल आई वाज अबाउट 5 or 6 जी। तो कुछ याद है कराची का उस वक्त का, और आपके कराची में फर्क, या आपको कुछ मेमोरी आपकी? बहुत प्यारी मेमोरीज हैं। उस वक्त रोड थे, उस वक्त जो रोड्स बीच तक जा रहे थे वही रोड्स आज तक हैं, कुछ 50 साल पुराने लेकिन रोड्स थे। खास तौर पे बीच की मेमोरीज, क्योंकि अम्मी ने हमें स्विमिंग सिखाया था, तो मुझे याद है कि फुल मून नाइट्स पे हम नाइट स्विमिंग के लिए जाया करते थे, एक हाथ में मैं, एक हाथ में मेरी बहन, मेरी अम्मी बीच में, और बड़े बड़े वेव्स में उन्होंने सिखाया था। आर्ट फॉर्म आपके करियर ने अपनाई, ये वालदा की तरफ से इनकरेजमेंट थी ज़्यादा? कुछ बच्चे होते हैं जो एकेडमिकली निकलते हैं, और मैं एकेडमिकली बहुत ही आलसी था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ये डिस्कवर कर लिया कि पढ़ाई के अलावा भी एक ज़िंदगी है, और मैंने वो ज़िंदगी पे ज़्यादा तवज्जो दी।